नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। यूपी में मंत्रिमंडल गठन के बाद आखिरकार मंत्रियों को उनके विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खुद सीएम योगी ने 34 विभाग अपने पास रखे हैं। चलिए जानते हैं कौन सा विभाग किस मंत्री को मिला है। देखिए रिपोर्ट। योगी की नई टीम, केशव प्रसाद मौर्य ग्राम विकास विभाग, ब्रिजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री, सुरेश खन्ना वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्रालय, दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्रालय, एके शर्मा शहरी विकास विभाग। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन चुकी है। सीएम योगी एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नई सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं अब योगी 2.0 में सभी मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। खास बात यह है कि सीएम योगी ने अपने पास अहम 34 विभाग रखे हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण सहित 6 महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। जबकि बीजेपी के दिग्गज नेता दिनेश शर्मा की जगह डिप्टी सीएम बने ब्रिजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को योगी कैबिनेट में फिर से शामिल किया गया है। उन्हें प्रोन्नत कर अब प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना का काम संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत उन्हें सिंचाई, जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी जितिन प्रसाद को दी गई है। उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। सूर्य प्रताप शाही को कृषि मंत्रालय, सुरेश खन्ना को वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग और नंद गोपाल नंदी को औद्योगिक विकास विभाग सौंपा गया है। नौकरशाह सरोज नेता बने पीएम मोदी के करीबी एके शर्मा को योगी सरकार 2.0 में सबसे अहम, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। एके शर्मा को ऊर्जा और नगर विकास की दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में पहली बार मंत्री बनने वाले नेताओं को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में खास अहमियत मिली है। कैबिनेट मंत्री बनी बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, योगेंद्र उपाध्याय को उच्च शिक्षा जैसा बड़ा महकमा देकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू करने के साथ साथ शिक्षा में संघ परिवार का एजेंडा लागू करने की कमान सौंपी गई है। योगेंद्र उपाध्याय को 3 विभाग की जिम्मेदारी मिली है, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। पूर्व मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे ही पहली बार मंत्री बने जेपीएस राठौड़ को सहकारिता मंत्रालय की कमान सौंपकर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के एजेंडे को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस से इस्तीफा देकर सियासत में आए असीम अरुण को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। असीम अरुण को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग देकर दलितों को साधने की कोशिश की गई है। कांग्रेस से आए राकेश सचान को खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए दिनेश प्रताप सिंह को उद्यान एवं कृषि विपणन जैसा खास विभाग दिया गया है।
इसके अलावा सपा से आए नितिन अग्रवाल को आबकारी विभाग, वहीं पहली बार राज्य मंत्री बने कुंवर बिजेश सिंह को लोक निर्माण विभाग दिया गया है। इसके अलावा कई और मंत्रियों को भी उनकी मेहनत का इनाम मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही योगी की पूरी टीम को तैयार किया गया है। अब देखना ये होगा कि योगी के नए मंत्री बीजेपी का 2024 का मिशन कितनी लगन से पूरा करते हैं। प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल योगी सरकार 2.0 में मंत्रियों को उनके विभाग अब सौंप दिए गए हैं और आगामी 5 साल की रणनीति भी तय कर ली गई है। लेकिन आगे ऐसा देखना अहम होने वाला है कि मंत्री किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाते हैं और आगामी 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का विकास किस प्रकार हो पाता है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।